बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम बैगन की एक रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये है बघारे बैगन, हैदराबाद के बहुत फेमस है। हैदराबाद जैसे ही हम बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारे मसालों में फ़र्क है, वो आपको सब बता देते हैं हम क्या करना है। ये जो है हमने लिए हैं बैगन, हाफ के जी है। ये कांटे वाले बैगन है, इसे कांटे वाले बैगन कहते हैं। ये बहुत टेस्टी होते हैं और उसकी जो है कहते हैं कि उसके जो ये डंठल होती है वो बहुत टेस्टी होती है, और वैसे भी इसमें बीज कम होते हैं और ये जायकेदार होते हैं। तो ये हाफ के जी बैगन है, इसको कैसे काटना है भी हम आपको बताएंगे। हमने क्या किया है कि इसके जो कांटे हैं, जैसे ये कांटे वाला पार्ट है ना, ये काट लिया है, और उसकी ये डंठल है जो, उसको भी हमने हाफ काट लिया है। अब हम बीच में से चीरा लगाएंगे और उसको चेक करेंगे, मतलब चार कट लगाएंगे और उसमें से चेक करेंगे कि अगर कीड़ा है या ख़राब है अंदर से, तो उसे हटा देंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो कुछ मसाले हैं ड्राई रोस्ट करके रखे हैं हमने, तो इसमें ये मूँगफली है, इसको हमने ड्राई रोस्ट किया और इसको साफ कर लिया, इसके छिलके उतार दिए। ये सूखा खोपरा है, ये समझिए कि 50 ग्राम के करीब है, इसे भी हमने सूखा भून लिया है। धनिया और ज़ीरा है एक एक चम्मच, इसे भी हमने भून लिया है। ये चने की छिले हुए चने हैं, दाल है, इसे भी हमने ड्राई रोस्ट किया है। और ये तिल है, एक चम्मच तिल है, इसे भी हमने ड्राई रोस्ट करके रखा है। इसके अलावा ये लहसुन है, ये कलियाँ जो है लहसुन की, एक लहसुन की कलियाँ हैं, ये हम इसमें साथ में पीसेंगे। और ये सूखे मसालों में, ये हमारे पास घर का बना हुआ मिक्स मसाला है, इसमें सारे गरम मसाले हैं, इसलिए हमने एक्स्ट्रा गरम मसाले नहीं लिए हैं। और हल्दी पाउडर है। इसके अलावा हमारे पास है ये दो प्याज, ये सफ़ेद वाली प्याज है, आप नॉर्मल प्याज भी ले सकते हो। ये दो प्याज है जो हमने स्लाइस में काट ली है। कड़ी पत्ता है और हींग है। इसके अलावा बघार के लिए हमारे पास जो है राई है, ज़ीरा है, और थोड़ी सी मेथी के दाने हमने लिए हैं। इमली को हमने एक घंटा पहले भिगो दिया है, ज़्यादा इमली हमने नहीं ली है कि बहुत ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगता है। और नमक है, और ये सरसों का तेल है, सरसों के तेल में ये जो है बैंगन बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप नॉर्मल मूंगफली के तेल में बनाना चाहो तो उसमें भी बना सकते हो, कोई भी ऑयल कुकिंग यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ जो हम बना रहे हैं वो सरसों के तेल में बना रहे हैं। और ये है हरा धनिया, इसे हम आधा जो है मसालों के साथ पीसेंगे और आधा जो है कट करके गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तब एक जो है बैगन आपको हम काट के बता देते हैं कि कैसे करना है। तो ये बैगन का जो है हम ऊपर का पार्ट निकाल देते हैं। इस तरह से पूरा साफ कर लेना है इसको, और इसके कांटे जो है उसको पूरा छील के इस तरह से निकाल देना है। और ये डंडी को जो है हमको क्या करना है, आधा काट लेना है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, फिर खाने के दौरान में अगर आपको चुभे या अच्छा नहीं लगता है वो, इसके लिए हमको इसको निकाल देना है। इस तरह से डंडी को हमको निकाल देना है, और फिर ये बैगन में इस तरह से कट लगाना है, अंदर से चेक करना है कि अंदर से कुछ कीड़ा वगैरह तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है। और उसके बाद में ये चार कट लगाने के बाद में ये पानी लिया है हमने, ये पानी में हम क्या करेंगे, नमक डाल देंगे, थोड़ा ज़्यादा ही नमक डालना है ताकि ये हमारे बैगन जो है वो अच्छे से नमकीन हो जाए। ये हमने इसमें एक भर के चम्मच, यानी दो आधा आधा चम्मच, एक भर के चम्मच नमक डाल दिया। और ये बैंगन को हम क्या करेंगे, इसमें डुबो के रख देंगे, और उसके बाद में ये सब मसाले पीस लेते हैं और कैसे बघारना है वो आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमने ये मसाला जो है पीस लिया है, ये मसाला पीस के तैयार रखा है। ये हरा धनिया हमने काट लिया है, और बैंगन सारे चीर के हमने नमक के पानी में डाल दिए थे, और ये नमक के पानी में सभी निकाल के हमने रखे हैं प्लेट में। यहाँ पर हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, ये राई का तेल है, ये 200 ग्राम के करीब है, 200 ml। और इसमें हम जो है अभी ये बैगन को क्या करेंगे, थोड़ा सा तल के निकालेंगे, थोड़ा सा तल लेंगे हल्का सा, उसके बाद में उसको निकाल लेंगे और फिर आपके आगे का प्रोसीजर दिखाते हैं। तेल गर्म होने के बाद में हम इसमें छोड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी तेल गर्म नहीं हुआ है हमारा। पानी है इसलिए तेल जो है थोड़ा सा उड़ता है, इसको 2 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा देंगे। थोड़ा पानी का इसका छीटा उड़ना कम हो जाएगा, फिर खोलते हैं, थोड़ा चला देंगे। ऑयल में इसको अच्छे से हमें फ्राई करके लेना है, फिर थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देते हैं ताकि थोड़े गल भी जाए और तल भी जाए, तल कर भी हो जाए और गल भी जाए। ये बैगन और थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं,
लेकिन और थोड़ा कर लेते हैं हम इसे, और पका लेते हैं, दो मिनट और पका लेते हैं, उसके बाद में फिर उसको निकाल देते हैं, प्लेट पे निकालते हैं और फिर मसाला कैसे भूनना है वो आपको दिखाते हैं। नाज़रीन ये बैगन हमने जो है तल के निकाल लिए हैं, इनकी फांके जो है हल्की सी खुल जाए तो समझ लीजिए कि ये हो गए हैं, ये देखिए फांकों ने जो है ये अपना इस तरह से अलग होने लगी है। अब इसको जो है आप समझिए कि ये हो गए हैं। और अगर हमें ये तेल जो है गर्म ही हो रहा है, हमारा तेल गर्म ही है, अब हम इसमें क्या करते हैं, ये जो है हींग है और कड़ी पत्ता है, ये बघार लगाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राई जीरा, मेथी दाना और ये प्याज, प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे थोड़ा पकाते हैं। प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तब हम मसाले ऐड करेंगे। नाज़रीन अब प्याज का कलर जो है हल्का सा चेंज होने लगा है, अब हम क्या करेंगे इसमें मसाले डालेंगे। ये हम इसको फ्लेम को लो कर देते हैं और ये मसाला जो है हमारा ये डाल देते हैं इसमें, पिसा हुआ मसाला है ये भी डाल देते हैं। थोड़ा पानी डाला है हमने इसमें, अभी गैस की फ्लेम को तेज कर देते हैं। मिक्सर में हमने पानी डाला है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे भूनते हैं। ये लहसुन भी है इसमें, इसलिए इससे कच्ची बू आएगी, अच्छे से भून जाएगा मसाला और फिर उसके अंदर पर कच्चापन नहीं रहेगा मसालों का और तेल भी सेपरेट हो जाएगा। थोड़ा मसाला हम भून लेते हैं, 5 मिनट मसाला भूनते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये मसाला हमने 5 मिनट भून लिया है और तेल भी इसका भी थोड़ा सेपरेट होने लगा है। अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने नमक जो है सिर्फ बैगन जब पानी में भिगोए थे तब डाले थे, अब हम इसमें मसाले के हिसाब से नमक डाल देते हैं और ये बैगन जो है इसमें शामिल कर देते हैं। हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पाँच मिनट मसाले में इसको पकने देते हैं और उसके बाद में हम इमली मिलाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बैगनों में कसर रह जाती है, खट्टे से वो नहीं गलते हैं। अभी बिल्कुल आँच हमने स्लो कर दी है और अभी ढक्कन लगा के हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं और फिर इमली का पानी इसमें मिलाएं। नाज़रीन ये 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है इसका। अब हम क्या करेंगे तो थोड़ा सा चलाएँगे और इसमें जो इमली का पल्प हमने वो करके रखा है भी मिला देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नमक थोड़ा सा कम हमें लगा तभी हम थोड़ा सा नमक इसमें और शामिल कर देते हैं। 5 मिनट आप बर्फ से ढक के रखते हैं फिर आपको और दिखाते हैं। नाज़रीन ये 5 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं हम कि बैगन हमारे गले हैं या नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बैगन भी हमारे हो गए हैं तकरीबन। अब इस स्टेज पर अगर आपको शोरबा बढ़ाना है तो आप थोड़ा गर्म पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये इतने ही ठीक है। हम खिचड़ी के साथ सर्व करने वाले हैं, खिचड़ी या ज्वारी की रोटी के साथ में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ में भी दे सकते हैं। अभी हम पर गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। नाज़रीन ये हमने बैगन जो है अपने डिश आउट कर लिए हैं, अब इसको हम धनिया से सजा देते हैं। बोल लीजिए ये बहुत ही टेस्टी बैगन हमारे तैयार है, बघारे बैगन। आप इसे ज़रूर घर में बनाएं। ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। मेरी ये रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।